डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप लोगों ने इसके पहले गॉस फार्मूले, वेनगार्टन इक्वेशन, मेनार्ड कोटा जी, वो सारे पेपर में आते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट पहले लिखा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमको याद नहीं है, लेकिन आपको भी याद नहीं करना है। वैसे पेपर में तो स्टेटमेंट प्रूव आता है, तो आपको सजेशन यही है कि आप इस लाइन को बाद में लिखेंगे। हाँ, बस केवल आपको दो टर्म याद रखना है, LHS आसानी से याद हो सकता है और इस RHS में से केवल पहला टर्म बस, बाकी वो सब आपको नहीं याद करना पड़ेगा। इसी इतने से आपका एक पूरा इक्वेशन निकल आया है। अब इसमें कौन कौन से सिंबल सारे जाने पहचाने हैं, सब आपको सब फंडामेंटल फॉर्म में हमने देखा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए, प्रूफ में सबसे पहले तो ये जाने रहिए कि यूज होता है गॉस फार्मूला, सारा उसी से निकला हुआ है। We know that by Gauss formula. तो Gauss formula जो होते हैं वो surface theory के, आप surface theory देखिए, सारा कुछ Gauss formula पे ही depend है, यानी वो खुद अपने आप में बहुत important हो गया। होता है R11 equal to LN LR1 प्लस लैम्डा आर टू, ये हो गया। दूसरा होता है R12 m प्लस mr1 प्लस म्यू R2। लास्ट होता है R22, ये होता है n r1, ये भी एकदम साइक्लिक ऑर्डर में चलता है और ये म्यू R2 होता है। यहाँ केवल आपको ये बता देना चाहिए कि हाँ, ये वेक्टर n जो है वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यूनिट सरफेस नॉर्मल। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे फिर n वेक्टर n इक्वल टू होता है R1 क्रॉस R2 बाई H होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट को देख करके हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। एक बार इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर दरअसल जो ये टी स्क्वायर लिखा है, आपको ये पता है ना, जैसे ईजी माइनस एफ स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, ये तो होता ही है, नो डाउट, बाकायदे वेक्टर आइडेंटिटी से प्रूफ होता है, पेपर में भी प्रूफ करने के लिए आता है। और इसी तरह बिल्कुल इसी के एनालॉगस LN माइनस एम स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। LN माइनस एम, देखो एच तो हम आठ होता है वो तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, यहाँ तो टी निगेटिव भी हो जाता है, टी स्क्वायर निगेटिव भी आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए ये केवल एक हिसाब से याद करने का तरीका है कि जैसे हम लोग ई एफ जी एच, ऐसे ही एल एम एन टी, ई जी माइनस एफ स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो LN माइनस एम स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, ये होता है। फंडामेंटल फॉर्म में आप लोगों ने ई एफ जी एच एल एम एन टी सब निकाला। तो टी स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि LN माइनस एम स्क्वायर, अब बिल्कुल साफ है ना, ये आपका इक्वेशन वन हो गया, ये टू है और ये थ्री है। मुझे क्या लाना है, LN L आपका यहाँ है, यह यहाँ इक्वेशन वन का थ्री से हम लोग जो है ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट, माइनस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का मतलब इक्वेशन टू का स्क्वायर करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस अपने आप ये टर्म अभी तुरंत आ जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी टर्म आ जाएगा और ये भी टर्म आ जाएगा, मतलब इतना ही कर लेने से आपका 90% साफ हो गया। अब केवल इतना ही बचता है, तो इतना तो डायरेक्ट नहीं आएगा, उस जो है सोल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा, उस टर्म की वैल्यू इतने के बराबर होती है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन एंड थ्री, डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग लेंगे R11 डॉट R22 इक्वल, अब डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा एक बार चलो तो लिख दो LN LR1 लैम्डा R2, ये हो गया। अगला हो गया LN प्लस NR1, अब ये हो ही नहीं सकता कि प्लस के समय कौन है,
भैया 20 मिनट बाद भैया फोन करता हूँ, एक क्लास है कर रहा हूँ। तो ये जो है यहां पे देखो डायरेक्ट वर्क समझो, यन डॉट, अच्छा बीच में डॉट कर दी, यन डॉट यन एक हो गया तो आपके पास बचा एल एन। फिर एन का आर वन से डॉट जीरो होता है, एन का आर टू से भी डॉट जीरो होता है, एन का आर वन से जीरो होता है। अब आर वन का आर वन से होगा, अब एक बार लिखो फिर जीरो करो, आप लोग ये सब कर सकते हैं, यानी कि एल एन आर वन डॉट आर वन ये आपका हो गया। फिर आर वन का आर टू से होगा, यानी एल न्यू आर वन डॉट आर टू ये हो गया। प्लस देखो आर टू का एन से जीरो, आर टू का आर वन से होगा भी, यानी एन लैम्डा आर वन डॉट आर टू, और आर टू डॉट आर टू भी होगा लैम्डा न्यू के साथ आर टू डॉट आर टू, यानी आर टू स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ रीजन आप चाहो दे तो एन डॉट आर वन इक्वल टू जीरो और इक्वल टू एन डॉट आर टू, सब जीरो ही होता है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो गया एल एन, ये ई के बराबर होता है एल एन ई। देखो आर वन डॉट आर टू एफ होता है और ये भी एफ हो गया, तो एल न्यू और एन लैम्डा दोनों के साथ आपका एफ, और आर टू डॉट आर टू बराबर जी होता है, तो ये हो गया जी लैम्डा और न्यू। अब आप अपना रिजल्ट अगर देखें तो देखिए इतने को अगर हम ब्रैकेट में कर दें, देखिए यार ये आपका पोर्शन आ गया, यही इतना कर देने से वो पोर्शन निकल आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है उसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने का मतलब उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, स्टेटमेंट में लाएंगे स्क्वायर से रहने देते हैं। क्या करने जा रहे हैं, आर वन टू स्क्वायर करने जा रहे हैं, क्यों, यम यन यम आर वन प्लस लैम्डा म्यू आर टू, इसका इसी से डॉट, क्योंकि हमको यम स्क्वायर लाना है ना, इस वजह से यम आर वन प्लस म्यू आर टू, तो ले लीजिए डॉट। देखो यन डॉट यन एक होगा तो यम स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस एन डॉट आर वन जीरो, एन डॉट आर टू जीरो, आर वन डॉट एन जीरो और आर वन डॉट आर वन ई के बराबर होगा, यानी एम का एम से एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर ई हो गया, प्लस आर वन डॉट आर टू एफ होता है, तो एम म्यू एफ, एम म्यू एफ, आर टू डॉट ए जीरो हो गया, आर टू डॉट आर वन एफ होता है, यानी ये भी एफ आएगा, तो एम म्यू यहां पर भी, यानी टू एम म्यू एफ, और आर टू डॉट आर टू जी होता है, तो जी म्यू स्क्वायर। देखिए ये टर्म भी आपका आ गया, ये टर्म भी निकल आया, तो ये इक्वेशन नंबर हमने नाम दे दिए 5। तो आप सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्टिंग क्या घटाएंगे, 5 को फ्रॉम 4 घटा लीजिए, तो आर वन वन डॉट आर टू को माइनस आर वन टू का स्क्वायर बराबर, देखो मिल जाएगा एल एन माइनस एम स्क्वायर, ये तो साथ में आ गया, बाकी एल एन ई प्लस एल म्यू एन लैम्डा के साथ एम प्लस जी लैम्डा म्यू, ये इतना हो गया। माइनस इसको करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर तो पहले भी कर चुके हैं, तो माइनस मिलेगा एम स्क्वायर की टू एम म्यू एफ प्लस जी म्यू स्क्वायर। अब यहां से अगर आप लोग देखें तो यही जो एल एन माइनस एम स्क्वायर है यही टी स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां से आप इसको अगली लाइन में टी स्क्वायर इक्वल टू आर वन वन
डॉट आर टू टू माइनस आर वन टू स्क्वायर, ये इतना हो गया माइनस एल एन ई एल न्यू एन लैम्डा के साथ दिया जी लैम्डा और न्यू, और ये तो आपका प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर पी प्लस टू एम म्यू एफ प्लस जी म्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन सिक्स मान के छोड़ दिया। अब देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहे इसको सॉल्व करके ये पोर्शन ले आइए, चाहे इसको सॉल्व करके ये ले, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होता है। आर वन का मतलब क्या होता है, R का U के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो R11 निकालना है, उसके बाद फिर R22 निकालना है, डॉट प्रोडक्ट है, माइनस से करना है, इतने के ही बराबर आएगा। तो ऐसे कह देने से काम नहीं बनेगा, इतना आप सॉल्व कर डालिए, इतना पोर्शन सॉल्व करिए। मैंने कहा था आपको कि वो दो टर्मिनल रखना है, एल एच एस और आर एच एस का फर्स्ट टर्म। अब उसको देखते हैं ना, पूरा लेकर के चलते हैं। वन बाई टू क्या लिखा हुआ है, 2f12 माइनस e22 और माइनस g11, यही इतना हम सॉल्व करेंगे और अभी आप देखेंगे कितने के ही इक्वल आ जाएगा। 1 बाई 2 से कोई दिक्कत हमको नहीं है, 2 ऐसे रहेगा। 1 2 का मतलब क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन, एक बार u दूसरी बार v के रिस्पेक्ट में, और f का मतलब क्या होता है, r1 डॉट r2, R1 dot R2 का डिफरेंशिएशन, R1 dot R2 F होता है, 1 यहां पर लिखा है तो U के रेस्पेक्ट में, 2 लिखा है तो V के रेस्पेक्ट में, माइनस लिखा है E22, E22 माने क्या हो गया, दो बार V के रेस्पेक्ट में, किसका, E का, E माने कितना, E माने R1 dot R1 माने R1 का स्क्वायर कर सकते हैं। G11 का मतलब क्या होता है, दो बार U के रेस्पेक्ट में, किसका, G का डिफरेंशिएशन, G कितना होता है, G होता है R2 स्क्वायर, R2 का कर्ण, इतना हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास इतना जाकर के ये लिखा जाए, इतना आपका बनता है यहाँ पे। अब आपको बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ये देखिए उतने के बराबर है कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं इसको समझो मैं क्लियर कर दूँ, तो यही इतने की वैल्यू अभी मैं आपको इसे बराबर ले आऊँ तो बताऊँ, ले जाकर के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि हाँ ये सेटिस्फाइड। तो केवल सिंपल सा डिफरेंशिएशन है और कुछ खास नहीं, गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां पे सबसे पहले वन बाई टू, टू देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, आपने यू को मान लीजिए, आपने यू को पहले रोक दिया, वी के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, वी के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा आर वन टू डॉट आर टू प्लस आर वन डॉट आर टू टू, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आप किसी भी आर्डर में कर सकते हैं, गलत नहीं। इसका भाई दो तो आपका आ गया जाएगा, जैसे एक बार हमने किया तो डेल डेल वी तो आपका रहेगा ही, टू आर वन टू डॉट तो रहेगा ही, ये ऐसे अगला डेल डेल यू टू आर टू डॉट आर टू वन, ये अब देखिए यहां पे टू समय से बाहर आ रहा है तो ये टू तो आपका कैंसिल हो, इसका डिफरेंशिएशन देखो यहां यू के रेस्पेक्ट करोगे तो आर वन वन टू हो जाएगा डॉट आर टू प्लस, अब आपने वन टू छोड़ा तो इसका भी वन टू हो गया आर वन टू प्लस, इसका जब किया गया तो आर वन वन डॉट आर टू टू और प्लस R1 डॉट वन टू माइनस, सब एक स्क्वायर बढ़ाना है बस, यहां दो कट चुका है, ये हो गया R12 क्योंकि वन पहले है और बी के रेस्पेक्ट में डॉट R12
माइनस आर वन डॉट आर वन टू ये हो माइनस आर वन टू डॉट आर टू वन हो चाहे आर वन टू बात क्या होती है माइनस आर टू डॉट आर चाहे टू वन वन लिखे चाहे वन वन टू लिखे चीज। अब यहां से देखिए कुछ टर्म तो आपके कट जाएंगे जैसे कि आर वन डॉट ये इससे कैंसिल हो गए और भी कुछ कैंसिल हो गए आर वन टू डॉट आर टू वन दोनों एक पे चीज है कैंसिल हो गए वन वन टू टू ये भी इससे कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास? आपके पास यहां पर बच रहा है आर वन वन डॉट आर टू माइनस आर वन टू का स्क्वायर। देखिए यही लिखा हुआ है यहां यही इतना यहां पर लिखा है। तो जो हमने ये सॉल्व किया वन बाई टू टू एफ वन टू माइनस जी वन वन ई टू टू माइनस जी वन वन वही यहां पर आपको सब्सटीट्यूट कर देना है यानी वही इतना लेकर सॉल्व किया तो इतने के बाद आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सिक्स तो क्या हो जाएगा ये देखिए नीचे लिखा हुआ है यहीं पर केवल आप ला करके इसको सब्सिट्यूट कर देंगे क्योंकि आपने उसी को सॉल्व किया है ये दिखाने के लिए कि हाँ वो उसके इक्वल है बस यही आपको लिख देना है। कितना है वन बाई टू टू एफ वन टू माइनस ई टू टू और माइनस जी वन वन और यही है गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि आसान से इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग तैयार करें। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद।